अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के सिविल अस्पताल के, आप देख सकते हैं, फीमेल वार्ड के बाहर, जहां पर अब से कुछ देर पहले यहां पर कुछ हंगामा हुआ है महिलाओं के बीच में डस्टबिन को लेकर। और जो सुविधाएं महिलाओं को ऑपरेशन के बाद या फिर डिलीवरी के बाद मिलनी चाहिए उसको लेकर एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, घरोंडा के पास के ये रहने वाले हैं। 9 तारीख को इनके घर में जो इनकी आपकी बहू है, लड़की है मेरी, आपकी बेटी है, इनकी बेटी है, उनका ऑपरेशन हुआ है 9 तारीख को, लेकिन उसके बाद जो सुविधाएं उनको एक अस्पताल में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, उसको लेकर ही आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर हंगामा हुआ है। क्या कुछ पूरा मामला है इनसे जानेंगे, लेकिन अपील आप सभी लोगों से यही रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कौन धमकी दे रहा है, क्या नाम है आपका? वो मेरा नाम सुशीला है, मैं लड़की की मम्मी हूँ। तो ये इंक्वायरी तुम्हारी छुट्टी करवाऊंगे ऐसे ऐसे बोलता है, चादर के लिए बोला था उसको, तो वे इंक्वायरी हर छुट्टी करवाऊँ और ऐसे गलत बोले, मैं गलत क्या कहा इसने, ये चादर का, हाँ ये मैडम आई है जोन सी चश्मा लगा रही है इसने, हाँ ये ज़्यादा धमकी दे रही है, तो मैं छुट्टी करवाऊँ, मैं ऐसे करवाऊँ कंप्लेंट करूँ, चादर बदलने को लेकर, चादर डस्टबिन माने पिसाब की थैली भी खाली खुद करनी पड़ती इनको जाके। मरीज ये कहते, मेरा नाम इसम सिंह है, मैं गाँव रायपुरा से हूँ, मेरी लड़की एडमिट है रायपुरा की रहने, हाँ जी। मरीज का जो केयर टेकर है क्या वो सारा काम वही करेगा या कोई और करेगा? स्टाफ की ड्यूटी है या नहीं है? पेशाब की थैली मरीज अगर खाली करके आएगा तो बच्चे को कौन संभालेगा, मरीज को कौन संभालेगा? स्टाफ को बोला तो स्टाफ ऊपर हमारे को धमकी दे रहा है कि तुम्हारी छुट्टी करवा देंगे, ये करवा देंगे, पीएमओ का कंप्लेंट कर देंगे। तो अब से पहले कुछ हंगामा भी हो रहा, अभी थोड़ी देर पहले हंगामा हुआ, इन्हें सारे स्टाफ मेरे को धमकी दे रहा है कि मैं तेरी कंप्लेंट करूँगा, ये करेंगे सभी सारे को, मेरे को कंप्लेंट, ये हंगामा यहाँ करे भाई, लेडीज वार्ड में आपने हंगामा कराया भाई, जो मैं इनके साथ हूँ, ये मेरी वाइफ है, तो कुछ बाहर से लेना देना पड़ेगा तो मैंने तो आना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये इनको जेंट्स को यहाँ से एक मिनट में बाहर निकाल देते हैं। अब इनको कुछ बोला भाई चादर नहीं चेंज हुई, भाई चादर ये पकड़ो खुद अपने आप चेंज करो, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। कितने दिन से हम 9 तारीख को शाम को 6:45 बजे ऑपरेशन हुआ था, हाँ तो लड़की पैदा हुई, उसके बाद कह रहे चादर 3 दिन से कोई चेंज नहीं हुई, जो वो की खराब हुई पड़ी है, डस्टबिन को लेकर भी डस्टबिन नहीं है कुछ भी, यहाँ कुछ डस्टबिन ही नहीं है, नहीं है ही नहीं, यहाँ पे बाहर पड़ा, उधर उधर जाओ किसी किसी भी बेड के पास कोई स्टूल वगैरह बैठने के लिए, जो केयर टेकर है वो कहाँ बैठेगा, कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं चारों तरफ, इधर किसी भी बेड के साथ कोई स्टूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बिल्कुल भी, सब कोई सुविधा ही नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, हाँ केयर टेकर के लिए कोई सुविधा नहीं है, उनके सोने के लिए कोई वो नहीं है, नीचे लेटना पड़ता जमीन फर्श पे, बच्चे को भी साथ में ले गए, इनसे बोलते हैं तो ये कहते हैं हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, पीएमओ साहब से बात करो भाई, रात को पीएमओ साहब के ऑफिस में गया था जब तक वो 9:30 बजे ऑन ड्यूटी नहीं आए थे, तो उसके बाद फिर इनसे दोबारा बोला चादर के लिए, चादर मेरे को हाथ में पकड़ा दी भाई चेंज कर लो खुद, तो स्टाफ से बोला, फिर स्टाफ ये एक लेडीज सिक्योरिटी गार्ड आई, इसने हंगामा क्रिएट कर दिया, भाई मैं तेरी कंप्लेंट करूँगी, अच्छा, हाँ ये महिला खड़ी अभी सामने जो, इसने पूरी धमकी दी आसम के सामने, भाई मैं तो कंप्लेंट करूँगी, मैंने कहा कंप्लेंट कर लो, क्या कंप्लेंट करूँगी मेरी, मैंने अपने जो मेरी जरूरत है उसके लिए मैंने बोला ना, इस हिसाब से कि सुविधाएं नहीं मिल रही है फिर तो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाना चाहिए, बस वही बात आई है और क्या, आपको लगता है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल चुका पाते? अगर प्राइवेट का बिल चुकाने के जितने ही एडमिट है सक्षम होते हैं तो यहाँ जनरल इसमें सिविल में कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, सब गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, तो अगर ये प्राइवेट की इनकी क्षमता होती तो ये प्राइवेट में जाते, सरकारी में इसलिए आते हैं, गवर्नमेंट इतनी सुविधा दे रही है तो वो सुविधाएं इनको किसी को कुछ नहीं मिल रहा, तो सुविधा है कहाँ, यहाँ कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। सुविधाओं को लेकर किस तरीके से रायपुरा के रहने वाले हैं घरोंडा के पास के गांव की, और बताया जा रहा है कि जो यहाँ के जो वर्कर्स हैं उनके बीच में अभी कुछ समय पहले इनका हंगामा जरूर हुआ था, हालांकि उनसे भी हम एक बार बातचीत जरूर करना चाहेंगे कि आखिर बात क्या है, क्यों हंगामा हुआ था, क्योंकि दोनों पक्ष की बात रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन बड़ी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं कि केयर टेकर के लिए डस्टबिन हो, बैठने के लिए स्टूल हो। मैम एक बार उनको बुला देते जो सिक्योरिटी गार्ड जो वो महिला के बारे में बात कर रहे थे। सुनीता आ जाइए एक बार, कोई बात नहीं,
तो एक बार हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे जिनके साथ यहाँ पर हंगामा हुआ। मैम कुछ देर पहले यहाँ पर कुछ हंगामा हुआ। एक्चुअली प्रॉब्लम तो ये आ रही है, यहाँ जेंट्स अलाउड नहीं है और ये लोग जो हैं पेशेंट्स के साथ जाके बैठते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड आप समझ सकते हो कितनी भीड़ है। पेशेंट के साथ जो केयर टेकर है, क्योंकि अभी बेबी हुआ है छोटा, तो बैठने के लिए कोई स्टूल भी नहीं है, ये सुविधा तो होनी चाहिए, डस्टबिन नहीं है। मेरी बात सुनो, डस्टबिन अंदर हम नहीं रख सकते क्योंकि उसमें मच्छर वगैरह सब कुछ आएंगे, इन्फेक्शन भी आएगा। खाना बचा हुआ भी डालते हैं अंदर, पेशेंट को इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं, वो नहीं डाल दे सकते हम। क्या नाम है मैम आपका? सिस्टर दीपा। मैम आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ इनका? नहीं कुछ नहीं। नाम है? मेरा नाम सुनीता है मैडम। और यहाँ पे देखो लेडीज वार्ड है सारे, समझोगे लेडीज के। ये बताओ आप जेंट्स मतलब कि जब अलाउड किसी उसमें नहीं होते। जेंट्स वाली तो चलिए बात छोड़िए, पहले तो ये बात करते हैं ना कि जो केयर टेकर है अगर उसको बैठना है तो कोई चेयर कोई स्टूल उसको मिलना चाहिए। यूरिन बैग को लेकर खाली करने की बात हो रही है, डस्टबिन नहीं है, चादर बदलने के नाम पर भी ये कहा जा रहा है जो केयर टेकर है वो खुद ही सारे काम करे। एक बात सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात सुनो जी, मेरी मेन प्रॉब्लम है जेंट्स को बाहर निकालने की। आप ये सोचो कि यहाँ पे लेडीज वार्ड है, जेंट्स के लेडीज के कितने काम होते हैं, आप इस चीज को मानोगे? जब जेंट्स अलाउड नहीं, मैं तीन तीन राउंड यहाँ पे करूंगी, जेंट्स भैया प्लीज बाहर बैठ जाओ, पहले मेरा ये होता है, तीन बार बोलूंगी, चार बार बोलूंगी, चौथी बार में आप ये बताओ मैडम आप क्या करोगे? तो ये भी आरोप लगा रहे कि आप उनको कह रहे कि आपको हम निकालेंगे, धमकी दे रहे हैं आप। नहीं जी, मैंने ये नहीं बोला, हमारे को जो सर है हमारे पीएमओ सर, उन्होंने बोला अगर कोई बदतमीजी करता है साथ में तो आप उनके डिस्चार्ज करा सकते हो। इतने जेंट्स यहाँ से इतने दिन पे बढ़िया, मैडम ये बताओ कोरोना के टाइम में इतना भीड़ भड़क अलाउड है क्या? ये हम मानते हैं, मानोगे ना इस बात को? और ये बताओ लेडीज के कितने काम होते हैं, पैड भी चेंज करेगी, फीड भी कराएगी, तो जेंट्सों के सामने कराएगी मैडम? चादर बदलने को लेकर मैंने, ये आए थे हमारे पास चादर लेने के लिए, इनको चादर दे चुके हैं, इन्होंने बोला मेरा काम चादर चेंज करने का नहीं है, हम उनको बोला साथ में चलो आज ये मांगने गए, चलो हम मानते हैं इस चीज की गलती कि चलो उन्होंने नहीं करी, आज गए तो कल भी जाते हैं, हम इनको देते नहीं, मना कभी किसी को नहीं करते मैडम। यूरिन बैग को खाली कर, नहीं जी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोई नहीं साथ करते हैं, क्योंकि आप ये बताओ देखो इस चीज के बारे में वैसे मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर बाकी ये बात है कि यूरिन बैग यहाँ सब अपने आप ही खाली करते हैं, यहाँ पे कोई वर्कर यूरिन बैग खाली नहीं करेगा। हाँ जी, ये खुद करना पड़ेगा। हाँ ये खुद करना पड़ेगा, और मेन सी बात है यहाँ पे जेंट्स अलाउड नहीं है, लेडीज वार्ड है तो मैं जेंट्स को, मेरी ड्यूटी है मैं जेंट्स को अंदर नहीं आने दूंगी, जिसके लिए मैं कॉन्फिडेंसली बोलती हूँ, मेरे को सर ने पूरा ऑर्डर किया हुआ है कि यहाँ तू यहाँ से छुट्टी करा सकती है। तो जब आप ये बताओ इस चीज को मानो कि जेंट्स को मैं कैसे अलाउड कर दूंगी, और साथ में बोलते हैं तो फालतू बकवास करते हैं बदतमीजी करेगा, तो लेडीज के साथ बदतमीजी करने का रोड अलाउड है इनको? तो मामला चादर बदलने को लेकर था, यूरिन बैग खाली करने को लेकर था, स्टूल ना होने को लेकर था, ये सुविधाओं से लेकर। लेकिन अब मामला यहाँ पर आगे कि यहाँ पर जेंट्स खड़े होते हैं जो ड्यूटी बनती है सिक्योरिटी गार्ड, जिनसे हमारी बात हुई है उन महिला से, उन्होंने कहा कि हम जेंट्स को परमिशन नहीं दे सकते। हालांकि जो इनका कहना था वो ये था कि हमें चादर वगैरह बदलने के लिए हमें कोई नहीं है, कोई स्टाफ मेंबर नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो पीएमओ सर हैं उनसे भी हम जानकारी ज़रूर लेना चाहेंगे डॉक्टर पीयूष शर्मा से, कि जो इनकी जो सुविधाएं ये जिनकी मांग कर रहे हैं, क्या वो सुविधाएं इनको मिलती है या फिर किसी और को मिली है, या फिर नहीं मिलती तो क्यों नहीं मिलती? आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को साथ साथ शेयर ज़रूर करते रहें। तो इस वक्त हम ऊपर ही आए हुए हैं जहाँ पर पीएमओ सर का डॉक्टर पीयूष शर्मा जी का ऑफिस है, लेकिन सर अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं। हालांकि उनसे हमने ये जानकारी ज़रूर लेनी थी कि ये जो सुविधाएं हैं, चाहे डस्टबिन को लेकर हो, यूरिन बैग खाली करने को लेकर हो, कि क्या वो किसी मेडिकल स्टाफ मेंबर का ही काम रहेगा, या फिर चादर जिस तरीके से बदलने को लेकर हंगामा महिलाओं के बीच में हुआ था सिक्योरिटी गार्ड वालों के साथ, वो क्या कुछ मामला था, उसको लेकर भी बातचीत करनी थी। लेकिन अभी डॉक्टर पीयूष शर्मा यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए हम उनका पक्ष अभी आपके सामने नहीं रख सकते। आप सभी लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर ज़रूर करें। लेकिन एक बात ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हॉस्पिटल में, चाहे वो सिविल अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, कोई भी अस्पताल हो, लेकिन जो सुविधाएं हैं, जो ज़रूरी सुविधाएं हैं ऑपरेशन होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद, वो मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी लोगों से अपील, वीडियो को देखें भी और इसे शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।